आईब्रो टिप नंबर टू। टिप नंबर वन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वीडियो को जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अक्सर हम ट्राई करते हैं अपनी दोनों आईब्रो को इक्वल शेप देने पे, पर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं होते। इसलिए मैं आपके लिए सेकंड टिप लाई हूँ। हमारे पास कोई ना कोई कार्ड अवेलेबल होता है, ठीक है, आप उस कार्ड को लीजिए। एक आप उसका पार्ट वहाँ रखिए जहाँ पे आपको आर्च देना है, और सेकंड पार्ट आईब्रो के स्टार्टिंग में आपको उसको प्लेस करना है, और सेम ब्रश लेके आपको एक मार्क लगा देना है, ठीक है। मार्क लगाने के बाद आप उसी कार्ड से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन आपको उसको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आपको याद रखिए जहाँ पे आपको आर्च देना है वहाँ पे आप अच्छे से कलर को अप्लाई करेंगे। आप ये देखिए जो एक्स्ट्रा कलर है हम उसको बाद में निकाल देंगे। सेकेंड आपको करना है जो हमारी आईब्रो की टेल है आपको वहाँ भी एक मार्क लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी दोनों आईब्रो है उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। और आगे आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, अच्छे से उसको फिल कर लेना है। याद रखिएगा बाहर की तरफ आपको बहुत लाइट शेड देना है, और अंदर जो टेल होती है आप उसमें थोड़ा डार्क शेड दे दीजिए, तो आपकी आईब्रो बिल्कुल नेचुरल दिखाई देगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको इसे शेप देनी है। ये मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छी प्रॉपर शेप दे ली है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कलर है वो हम इसको फिंगर से या कैसे भी हम इसको रिमूव कर लेंगे, जो बाद में हमें आईज़ को कंसील भी करना होता है। आप ये देखें कलर देने के बाद आप जब इसको आईज़ को कंसील करेंगे तो और भी ज़्यादा लुक आएगा अच्छे से उभर के, ठीक है। आप जो टेल थी हमारी जो हमने वो लिया था साइज़ इक्वल, जो हमने मार्क लगाया था टेल, वही हमें टेल का मार्क लेना है। ये देखें इस तरह हमें टेल का मार्क लेना है, और जो हमारी नीचे वाली आईब्रोज है, ठीक है, नीचे वाली आईब्रो है हमें वो पार्ट उससे ऊपर रखते हुए, ठीक है, एंगल ब्रश की हेल्प से हमें ये जो हमारा आई शेडो या हम जो भी कलर ले रहे हैं ब्राउन, ठीक है, आप उसको अच्छे से लगा लेंगे। आप ये देखें इक्वल आई है, कितने अच्छे से शेप में आई है। और यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से हम हमेशा अपनी आईब्रो को राउंड शेप देते हैं, ठीक है। यहाँ से राउंड शेप आता है, ये इक्वल हो गया, जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो क्या करा हमने, इक्वल करा जो कि हमारे आईब्रो की टेल थी उसको लेके। एंड देन हम हाफ़ थोड़े से जो हाफ पार्ट होता है उसको हम देते हैं थोड़ा राउंड शेप। अब हमेशा देखिएगा कोई भी आईब्रो का शेप हो वो इसी तरीके से हम बना सकते हैं। दोनों आईब्रो में आप फ़र्क देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब।